जूनागढ़ बस स्टेड ऑटो रिक्षा बैठेल ऑटो रिक्षा उतरिया बाद मालूम थे एक थैली के थैली जीवन मरण मूड़ी तरीके रोकड़ रूपया 2,32,000 तथा सोना 1,18,000 रूपया दागीना सहित कुल रूपया 3,50,000 मूल्य थैली ऑटो रिक्शा में भूली गए थे। वृद्ध दंपति हो आर्थिक रीते मध्यम परिस्थिति हो जीवन में पाय पाय भेगी करी हो रूपया भेगा करेल हो थैली भूली जता वयोवृद्ध दंपति दुखी थे रड़वा लगेला। बाबत की जांच जिला नेत्रम शाखा पीएच मशरूनी करता नेत्रम शाखा द्वारा कार्यवाही हाथ धरवामां आवी। जूनागढ़ रेंजना आईजी श्री मयंक सिंह चावड़ा तथा जूनागढ़ जिला पुलिस वड़ा श्री रवि तेजा वाशम सेट्टी द्वारा जूनागढ़ जिलाना तमाम थाना अमलदारों ने प्रजा साथे सौहार्दपूर्ण वर्तन करी मददरूप थवा तेमज पुलिस स्टेशन खाते मदद माटे आवता लोगों ने शक्य ते मदद करी। पुलिस प्रजानो मित्र छे ए सूत्र ने सार्थक करवा तमाम प्रयत्नों खास सूचन करवामां आवे। जूनागढ़ हेडक्वार्टर डीवाय एसपी हितेश थांधालियाना मार्गदर्शन हेठळ नेत्रम शाखाना पीएसआईपीएच मशरू पुलिस कॉन्स्टेबल राहुल गिरी मेघनाथी चेतनभाई सोलंकी भावेशभाई परमार एंजीनियर नीतल बेन मेहता तथा डिविजन पुलिस स्टेशनना एएसआई रविरामसिंह सोलंकी सहित एक टीम द्वारा जहमत उठावी गोकळ भाई आज शाम को अपना नेत्रम कंट्रोल रूम में एक फरियाद आई कि गोकुल भाई देवलिया जो है ऑटो में अपना बैग भूल गए। बैग में लगभग 2.5 लाख का रोकड़ा था और 1 लाख के ऊपर गहने थे। तो तुरंत यहाँ पे आए थे नेत्रम शाखा में इस ऑटो में हम यहाँ पे पैसा भूल गए करके, पर तुरंत नेत्रम पीएसआई मशरू और उनका स्टाफ ने मेहनत करके वो नंबर को डिटेक्ट किया ऑटो नंबर को एंड कंसर्न बी डिविजन स्टाफ को बताया। बीडीएन स्टाफ ने तुरंत वो ऑटो वाले को रोक के वो बैग रिकवर करके जो फरियादी है उनको वापस दिया है। जी मारू नाम गोकर्ण भाई भाणजी भाई देवड़िया मिस्त्री अमे साईं बाबा ना अमे स्वप्न लोक में रही ज्यांथी अमे तालाड़ा जावा माटे निकल्या था। अमे बे माणा ने बे फेरा छोकरा अमे रिक्षा में बेही ने अमे जाता था बस स्टेन्ड पाहे उतरा न्या अमारो ठेलो आखो भूलाई गयो પછી અમે તરત જ પોલીસમાં જાણ કરીને અમે આવ્યા અહીંયા કલેક્ટર ઓફિસે ત્યાંથી અમે કીધું કે ભાઈ અમારા 2,32,000 રૂપિયા છે અને થોડાક દાગીના છે ને કપડાં છે અમારો ઠેલો ગયો અમને 1.5 કલાક અહીં નથી વાર લાગવા દીધી ત્યાં પોલીસ સ્ટાફે અમને ગોતી દીધો અને અમને આપી દીધું બધું કેવી લાગી પોલીસ અમને પોલીસનું કામ બહુ અતિ ઉત્તમ લાગ્યું સારામાં સારું લાગ્યું એવું મેં મારી જિંદગીમાં 70 વર્ષમાં ક્યાંય જોયું નથી।